से कुछ समय पहले रशियन कंट्रीज भारत को इस बात पर टोंट मारा करती थी कि भारत के पास अपनी कोई डिप्लोमेसी नहीं है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता जब उनकी सिविलाइजेशन गुफाओं में रहा करती थी तब भारत के अंदर डिप्लोमेसी, रिलीजन, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस किया जाता था। और इनमें से कई सारे टेक्स्ट भी लिखे गए हैं, जिनमें से एक है अर्थशास्त्र, जिसे हमारे ग्रेट आचार्य चाणक्य जी ने लिखा है। और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में एक स्टेट को फंक्शन करने के 7 अंग बताए हैं। वह है, एक श्लोक में प्रतिपादित किया है, स्वमात्यजन दुर्ग कोष दंड मित्राणी प्रकृत्य, अर्थात स्वामी, स्वामी का मतलब स्वामी, आपके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट हो सकता है। दूसरा होता है मात्य, मात्य का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो समय समय पर आपके प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं। फिर आता है जन, जन का मतलब होता है पॉपुलेशन, अगर लोग ही नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किस पे राज करेंगे। फिर आता है दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है कैपिटल, एक स्टेट को फंक्शन करने के लिए एक दुर्ग होना अत्यंत जरूरी होता है। फिर आता है कोष, कोष का मतलब होता है फाइनेंस, अगर आपके पास फाइनेंस ही नहीं होगा तो देश को खिलाओगे क्या। एक होता है दंड, दंड का मतलब लॉ या कानून, और लोगों को एक सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए एक लॉ का होना भी बहुत जरूरी होता है। फिर आता है मित्राणी, मित्राणी का मतलब होता है अलायंसेस, अलायंसेस का मतलब होता है दोस्त। आपको 1971 वॉर का तो याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया था, तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान के बढ़ चढ़कर सपोर्ट में आई थी, लेकिन भारत के सपोर्ट में बस एक ही कंट्री आई थी, वह था रशिया। और 1971 वॉर का सरेंडर भी तो आपको याद ही होगा।